इस रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जनविश्वास महारैली में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, कांग्रेस पार्टी के नौजवानों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, यूपी के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, सीताराम येचुरी साहब जी, दीपांकर साहब जी, डी राजा जी, महागठबंधन के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, बिहार के दूर दराज से आए हुए सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में आप लोगों का हाथ जोड़ करके आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और बिहार की पावन मिट्टी का वंदन हम करते हैं। आप सब लोग को सलाम है, प्रणाम है, आदाब है और बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं, माताएं बहनों को प्रणाम करते हैं, बच्चों को ढेर सारा प्रेम और हमारे उम्र के नौजवान भाइयों को यहीं से गले लगाते हैं। जहां तक मेरी नजर जारी है केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहा है समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन सड़कों पर पट्टर के कई लोग अभी बाहर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने रात भर तंग किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोग यहां आए, तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। 3500 किलोमीटर हम लोगों ने 10 दिन में पूरे बिहार घूमने का काम किया और आप लोगों को हमने आमंत्रण किया था कि आप सब लोग पटना चले और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तो आज रिकॉर्ड टूटा है, पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है। यही गांधी मैदान है, यहाँ राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला इसी मैदान से 1,72,00,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था, याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। इसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पटना में, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इस
सियासी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महागठबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विपरीत स्थिति में भी उन लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस पार्टियों ने। लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया, अति पिछड़ों भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित आधारित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। शिक्षा मित्र हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज के लोग हो, आंगनबाड़ी हो, उन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, दुगुना किया। ममता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कई महीनों से रोक करके रखे, कैबिनेट में फाइल नहीं आने दे रहे। स्वास्थ्य विभाग से 1,30,000 का पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल दबा करके रखे हैं, लेकिन कितना भी दबाएंगे तेजस्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में, आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा। तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है, दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आदी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है, उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का साथ है ना, विश्वास दिलाते हैं आप लोग। और आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे लेकिन आरजेडी का मतलब है आज से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार नौकरियां विकास, राइट्स जॉब डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। बीजेपी के लोग जगह जगह तोड़ फोड़ करते रहते हैं, स्थिर सरकारों को तोड़ लिया जाता है। अरे कुछ विधायक इधर से उधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? जनता जवाब देगी, जवाब दीजिए या ना। कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग लालच के कारण घुटने टेकते हैं मोदी जी के आगे, भाजपा के आगे, लेकिन मुझे गर्व है अपने पिता पर। ये कितने बड़े से बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा, लड़ेंगे आखिरी सांस तक। ये विचारधारा की लड़ाई है, और आप सब लोगों को साथ आना होगा, सभी समाजवादी भाइयों को साथ आना होगा। कभी राहुल जी को ईडी का समन, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, हमारे बड़े भाई को तुरंत सीबीआई के लोग आ गए, अखिलेश जी को समन भेज दिया, हमारे तो पूरे परिवार को समन भेजा ही। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है,
ये बीजेपी के आईटी सेल वाले लोग से हम लोग डरेंगे। हम लोग डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे। जनता की लड़ाई में जनता के साथ खड़े रहेंगे। आप सब लोग वॉशिंग मशीन तो सुनते थे, वॉशिंग मशीन कितना बड़ा से बड़ा भी भ्रष्टाचारी जो होगा वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है। सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। इसलिए ये वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी है। यहाँ आप जानते हैं बीजेपी के लोगों ने दो दो उप मुख्यमंत्री बनाया, एगो फाउल माउथ है, अनाप शनाप बोलता है, और दूसरा जो है लाउड माउथ है, बरबोला है। लेकिन आप सब लोगों को बोलेंगे कि ये जो उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, जो बरबोले हैं, 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े और लड़े हैं और जीते हैं तो आरजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखिरी बार भी। अरे हमारे चाचा तो पलटी मारते ही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भी कम नहीं है, 5-5 पार्टी बदल चुके हैं और आज तक चुनाव नहीं लड़े, तो ज्यादा हम लोग क्या कहें। लेकिन मोदी जी आए थे कल यहाँ, क्या बोल करके गए, वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। आप लोगों ने पिछले बार 40 में से 39 MP बीजेपी को जिताया। आज यहाँ बिहार के जिले जिले से हर लोग आए हैं, भाजपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिला में भाजपा के लोगों ने क्या किया। बताओ मोदी जी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरियां दी, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, क्या महंगाई कम की, कहां से फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था वो भी नहीं दे पाए। जरा सवाल कीजिएगा कि आप कहते थे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, क्या हुआ। इसलिए आने वाले समय में आकलन करके आप लोग निर्णय लीजिएगा और वोट देने का काम कीजिएगा। तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा दे करके परोस देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं लोग। बताओ गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं, झूठा लोग हैं ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए, आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था, लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया, आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दे आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया, जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया, किसको दिया। रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया, जितना कूली भाई था सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया। आपने कितना कूली भाई को क्या किया, जरा वो बता के लिखिए। ये तो कुल्लर लालू जी ने कुल्लर चलवाए,
खुल्लर रेलवे में ताकि कुम्हार भाई सबको रोजगार मिले, ये काम किया लालू जी ने। आपने क्या किया, बिहार में चक्का कारखाना से लेके कई रेलवे का 3-4 फैक्ट्री दिया आपके रहते हुए 10 साल। आपने क्या किया, अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ, मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया, बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआ का पानी नहीं पीने देगा, अरे अब कुआ का पानी नहीं 10-10 को कुआ बना लेगा, और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग, इसलिए भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहाँ इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस अब बीमा करा लेना चाहिए। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ, क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई, अरे बताओ कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यही रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई मोदी जी, क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक बार गाना सुना है आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए आप बुजुर्ग हैं, आप तो यहीं से हाथ जोड़ते के प्रणाम, लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं, जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है, आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए आप सब लोगों को ये कहना है, एक तरफ इन लोगों का गठबंधन जो है, एक तरफ फिरका प्रस्त है और उनके साथ मौका प्रस्त है लोग हैं, एक तरफ फिरका प्रस्त, एक तरफ जो है मौका प्रस्त लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों को ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप तेजस्वी से प्यार करते हैं, हाथ उठा के बोलो तेजस्वी से प्यार करते हो, मेरी एक बात मानोगे, हाथ उठा के मेरा एक काम कीजिएगा कि आप सब लोग गरीबों को जोड़ने का काम कीजिए, दलित भाइयों को सम्मान दीजिए, उनके दुख सुख में अति पिछड़ों का, आदिवासी भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का भागीदार बनोगे? बताओ हाथ उठा के बताओ, बनोगे ना? तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे,
अब आप लोगों को ही काम करना पड़ेगा, काम कीजिएगा ना, हम भी साथ रहेंगे, साथ साथ मिलके काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग यहाँ है, राहुल जी है, अखिलेश जी है, खड़गे साहब है, डी राजा साहब, यचुरी जी, दीपावकर जी, लालू जी, आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे। तो हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों को ढेरों धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। मेरे साथ नारा लगा करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के साथियों को, इतने कम समय में आप सब लोगों ने आयोजन किया, सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, विधायकों को, एमपीओ को, सबको हम धन्यवाद देते हैं इस रैली के सफलता के लिए। जय हिंद, जय बिहार।